मुझे कभी लगा नहीं था मैं यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस बनाऊंगा, पर कोई ना, लेट्स गो ऑल इन ऑन यूट्यूब। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी टू स्पेशल, जहां मैंने वैलेंटाइंस कैसे सेलिब्रेट किया ये बताऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड कौन है वो बताऊंगा, यानी मेरा अदर हाफ कौन है वो बताऊंगा। सो आओ उसको एक बार पूछ लेते हैं वो कहां तक पहुंची। और प्लीज़, या मानो या मत मानो, मैंने उसको कैसे तैसे मनाया है कि वीडियो में आ जा, ताकि अभी एक मिनट रुको, अभी पूछते हैं उसको कहां तक पहुंची है। Hey, y'all, come look at this. हाँ बेबी, कहाँ तक पहुँची, कहाँ है, क्या मतलब औकात से बात? अरे जल्दी आ यार, मैं डायरेक्ट मिलता हूँ देखो वहाँ पे। ओके बाय। सो आओ डायरेक्ट मिलते हैं अभी उससे ऑटो घाटकों पर। सो गाइस, मैं जस्ट RCD पहुँच चुका हूँ। इन लोग तो पूरी मेरी आवाज़ की तो फुल वाटी लगा देते हैं, हमेशा का ही है, कहाँ पर भी ब्लॉक करो तो फें फू फें फू फें। कंट्रोल कंट्रोल उदय, चलो ऑटो। सो अच्छा दिन है, अच्छा मूड रखते हैं। सो गाइस, मैं जस्ट पहुँचा हूँ RCT और वो कभी भी आ सकती है, तो थोड़ा उसका वेट करते हैं और मैं जाके आगे जाके ऑर्डर कर देता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे हम खाने बैठेंगे, तो चलो मेरे साथ। और मैंने यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ डेट करने, और मैं थोड़े धीरे आवाज़ में बात करूँगा, देखो कहाँ पे आजू बाजू ऑडियो आता ही रहेगा मेरा। तो मैं आया हूँ लव एंड लैटे, यहाँ पे आया हूँ। लैटे बोलते हैं इसे, लाटे बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, पर मैं मेरे पापा की लाते खाता हूँ, मुझे बराबर याद है। ये बढ़िया था गुरु। सो जोक्स अपार्ट, वो कभी भी यहाँ पे पहुँचते रहेगी और तब तक मैंने कॉफ़ी ऑर्डर कर चुका हूँ। सो गाइस, कोइंसिडेंस तो एक के ऊपर एक हो रहे, यानी इतने फक मुझे कुछ याद नहीं, मैं एकदम एक्साइटेड हो गया, मेरी कॉफी जस्ट आ गई है और वो भी अभी आ ही चुकी है। सो आओ, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। सो गाइस, गर्लफ्रेंड रिवील इन 3, 2, 1। Yes, I am dating myself. I love myself more and sorry for pranking you guys. धोखा स्वभाव है मेरा। इसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है, तो जरूर पूरे वीडियो एंड तक देखना। बाय बाय। क्या करता है रे तेरी तो? I'm really really sorry. मैंने इतना बड़ा प्रैंक पुल ऑफ किया और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा क्लिकबेट कभी करूंगा यूट्यूब पे। बट यार देखो, इस सब के पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट है। मैं बस एक ही मैसेज अक्रॉस करना चाहता हूँ, पुट अक्रॉस करना चाहता हूँ कि यू कैन सेलिब्रेट योर वैलेंटाइंस अलोन, जैसे मैं कर रहा हूँ। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसके साथ हो और तो भी अकेले सेलिब्रेट कर रहे हो। तो अगर कोई नहीं है तो ऐसा ज़रूरी नहीं हमेशा अपने को फोमो में रहना चाहिए। फोमो इन द सेंस फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, अपने जनरेशन में बहुत कॉमन है कि यहाँ पे कोई कुछ कर रहा है तो मुझे भी वो करना है, मुझे भी रिलेशनशिप्स में जाना है। तो हम सब लोग ना वो चिप्पी की तरह हो गए, वो होता है ना कि एक पैसे दूसरे को गुदी मारते रहते हैं। मैंने भी किया है वो, पर एक टाइम के बाद अभी मुझे वो सब नहीं पसंद। हाँ, तो मुझे वो सब नहीं पसंद, तो इसीलिए मैं खुद अकेला ही, देखो मैंने तो मतलब आज तक कभी डेट ही नहीं किया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अरे मतलब किया है अराउंड मैं 2019 एंड से अभी तक, 2019 एंड में लास्ट डेट किया था। मैं कल इधर लिख लूं कहीं UPSC के एग्जाम में ना आ जाए। और मैं काफी धीरे धीरे बोल रहा हूँ, तो मैं थोड़ा एडिट पे संभाल लूंगा उसको, बन जाएगा। हाँ, तो मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ और मैं उसको एडिट पे जमा लूँगा। तो यानी देखो, फोमो बहुत कॉमन हो चुका है अपने जनरेशन में, इसके लिए हार्ट ब्रेक्स भी बहुत कॉमन हो गए, क्योंकि हम कोई भी जंप करते कोई भी रिलेशनशिप में, ताकि हम कहाँ पे पीछे नहीं रह जाए, हमें भी वो सब करना है, हमें भी डेट शेट्स करनी है। उसका मतलब वो नहीं होता ना, ज़रूरी नहीं है ना। इसके लिए मैं ये पॉइंट प्रूव करने के लिए अकेला आ गया डेट पे। मेरे पास कोई और रास्ता है, मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, बट मैं कोई जंप नहीं करना चाहता कोई भी रिलेशनशिप में, और मैं अच्छा एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूँ। इन्फ्लुएंजा क्या,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में एक अच्छा बनना चाहता है इसीलिए। यार ये व्लॉगिंग कितना डिफिकल्ट है, मतलब मुझे ना एकदम हर जगह ना थोड़ी शर्म आती है ऐसा व्लॉग करने में, कि कोई भी किधर भी कुछ भी आता रहता है हमेशा, कोई भी कहाँ से भी बीच में आ जाता है, तो इसके लिए ना मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करता ऐसी पब्लिक प्लेस पे। और मैं ये सब बोल रहा हूँ पब्लिक प्लेस पे व्लॉग नहीं करता, और पब्लिक में जाके ऐसे ऐसे डेयर्स करता हूँ ना क्या बताऊँ। और भाई लोग और बहन लोग, नहीं नहीं सॉरी, और भाई लोग और उनकी बहनों, नया कंटेंट के लिए कुछ भी, एपिसोड 3 बहुत जल्द आ रहा है, सो वेट करो। सो गाइस मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, और लव एंड लाटे, यार मैं सच्ची बोलूँ ना, देखो ऑनेस्टली, मतलब एक मिनट रुका मेरे को पलटने दो कैमरा, ऑनेस्टली बोलूँगा ना तो हर जगह, मतलब कोई भी आप दूसरी जगह जाओगे ना तो उन लोग को प्रॉब्लम रहती है, इश्यू रहता है। इसके लिए ना मैं कोई भी जगह पे जाके शूट नहीं करता हूँ कभी भी, पहले जाके परमिशन लेता हूँ। पर मैंने जब यहाँ पे परमिशन लिया ना, उन लोग ने बोला यार नो वरी, सब कुछ चिल है। इसके लिए ना इन लोग मेरे को बहुत अच्छे लगे, और इनकी जो कॉफ़ी थी ना मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, कोल्ड कॉफ़ी थी और कौन सी थी शायद मेरे को नाम याद नहीं है अभी, कोल्ड कॉफ़ी थी और कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी थी। तो प्लीज़ कभी भी आओ, अभी तो मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, कभी क्या पता बूम हो गया, एकदम ग्रो हो गया मैं, तो प्लीज़ इसको अच्छा सा एक शाउट आउट दूंगा यार। चलो भाई आगे बढ़ते, और मैं अभी मैं बताऊंगा कि खुद को सेल्फ ट्रीट कैसे देते हैं। तो अभी मैं पहले जाऊंगा पिज़्ज़ा खाने जो मेरा फेवरेट है, सो मेरे साथ बने रहिए और पूरी वीडियो एंड तक देखना, और एक छोटा सा सरप्राइज अंदर। सो गाइस हम जस्ट पहुँचे पिज़्ज़ा हट में, और मैंने ऑर्डर कर चुका है, मेरा ऑर्डर कभी भी आता होगा। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं ना किस पे भी शॉर्ट्स फायर नहीं कर रहा हूँ, मतलब मेरी कोई एक्स पे, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, ना कोई लड़कियों को ना कोई लड़कों को, मतलब मैं एज इन जनरल बातें कर रहा हूँ। सो प्लीज़ कोई ऑफेंड मत होना, और बाकी हो गए बैल बुद्धि हो गए तो हो जाओ, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। सो मेरा पिज़्ज़ा फाइनली आ चुका है, चीयर्स, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। बना सकते हो वह अकेला तुम लोग ऐसा, और देखो आराम से बनाओ अकेला, कोई आएगा उसका टाइम रहेगा, वो आएगा अपनी ज़िंदगी में, तो रोते मत बैठो भाई के कोई नहीं है। मगर रोते रहने का काम अपना नहीं है बाबा, रोते रहेंगे तो आप रोते ही रहेंगे, गुर्बत में ही रहेंगे तो गुर्बत में ही रहेंगे। एनर्जी बनाओ यार, एनर्जी बनाओ कि लोग आए आपको देखने कि हाँ यार ये स्माइल, कितना भी प्रॉब्लम होगा अपना स्माइल है, अपना हेल्थ है। कोई नहीं है तो रोते मत बैठो, देखो मजा हो, ज़िंदगी है, जीने के 4 दिन, उसमें 2 दिन तुम रोते रहोगे तो फिर कैसा चलेगा। और है ना मैं कूल बॉय, एटीट्यूड बॉय, 69 कूलेस्ट बैड बॉय नहीं बनूंगा ये बोल के कि प्यार एक धोखा है, नहीं प्यार अच्छी चीज़ है, जब होगा ना तब पता चलेगा अच्छे से। तो इसीलिए मैं वो नहीं सब बोलूँगा प्यार एक धोखा है सब कुछ, मतलब उम्र नहीं है अपनी ये सब करने की, आधी से आधी ज़िंदगी जी नहीं अभी तक, पर जीने मरने बाद क्या बोलते हैं उसको, जीने मरने के बाद एकदम सोच के रखे कि आई विल नेवर लीव यू। अरे भक्त ऐसा कोई बोले ना उधर ही खींच के देना फट के ना, ये सब गुलाबी दुनिया का ही और। जाओ बैठो। देखो तुम लोग को कभी ऐसे वीडियोस पसंद आएंगे ना तो ज़रूर मुझे बोलना कि 1-on-1 कनेक्शन स्ट्रांग। सो आओ साथ में खाते हैं थोड़ा, मैं एकदम तुम लोग को नहीं दिखाऊंगा कि घर पे बैठे तुम मेरे को गालियाँ दोगे, फिर मैं पिज़्ज़ा ही नहीं दिखा रहा तुम लोग को, ताकि तुम लोग घर पे बैठ के गालियाँ ना दोगे यार, हट बैंच यहाँ से। पर अभी देख लो, क्योंकि तुम लोग भी ऐसी ऐसी स्टोरीज डालते हो ना कभी कभी घर पे बैठ के, मुझे भी होता है यार कभी कभी, माँ कसम किसकी गांठ पड़ गई। और हाँ अब मैं थोड़ा मिहिर महेश्वरी कम बनूँगा, जैसे कि मैंने फुल एक्सीलेंसी कर चुका है रिलेशनशिप पे, एक PhD है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्यार एक धोखा है ये सब करके, क्योंकि देखो एक रिलेशनशिप में, कुछ रिलेशनशिप में आप गलत होगे, कुछ रिलेशनशिप में सामने वाले गलत होगे, इसका मतलब वो तो नहीं है ना कि सब कुछ खराब ही है, देर आर प्लेंटी ऑफ सीज इन द फिश। चोद उल्टा ही बोल दिया मैंने, देर आर प्लेंटी ऑफ फिशेज इन द सी। ये वीडियो स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, उपसी, ये वीडियो स्टार्ट कहाँ पे हुई थी, और देखो कहाँ तक आ गए हम, जहाँ दिल की बात हो रही थी वहाँ अब यहाँ दिल से बात हो रही है। यार मैं कभी कभी लगता है कि यार मैं शायर भी हूँ। नहीं।
और एक फनी चीज़ बहुत है। देखो मैंने ना, मेरे को पता था कि मैं ये कर रहा हूँ, और देखो मैंने ना सब कुछ एक स्किट प्रिपेयर की थी, स्किट बोलो या इसको स्क्रिप्ट बोलो कुछ भी बोलो, पर मेरे को एक मैसेज अक्रॉस करना था जो मैं कर चुका हूँ। हाँ, सो फनी चीज़ वो थी कि मैंने सोचा, देखो मैं क्या करने गया था, मैं टर्म ढूंढने गया था जो खुद को कौन पसंद करता है, मतलब खुद को जो प्यार करता है उसे क्या बोलते हैं, यानी जो लड़का लड़का लड़की दोनों को पसंद करता है उसे बाइसेक्सुअल बोलते हैं, जो लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को पसंद करती है, यानी इन शॉर्ट स्ट्रेट जो रहते हैं उसको हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं। तो मैं सोचा कि सेल्फ लव वाले को भी कोई टर्म होगा, तो मैंने किया गूगल टक 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 के व्हाट इट, मतलब क्या बोलते हैं उसे जो खुद से प्यार करते हैं। तो फिर वहाँ पर टर्म क्या क्या पता है क्या, नार्सिस्ट, फिर आया क्या बोल, इगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड। मैंने कहा यार इसके लिए तो कोई क्या खुद को प्यार नहीं करता क्या, ये रीजंस की वजह से कि ये बुलाते लोग फिर उसको, या फिर मैंने गूगल गलत किया होगा। हाँ तो ये सब आया, तो मैंने बोला भाई अगर ऐसा ही है, यही बुलाते लोगों को, तो मैं हूँ वो जो खुद को पसंद करता, अगर उसे ऐसा बोलते लोग तो फिर मैं हूँ भाई वो। तो अब ये मेरा लास्ट सॉरी क्या बोलते उसको। सो ये मेरा अभी लास्ट स्लाइस है पिज़्ज़ा का, फिर यहाँ से हम निकलते और नीचे जाके थोड़ा और शूट करते। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप तुम लोग सब लोग को ये वीडियो पसंद आए, और मैं जाते जाते सिर्फ एक ही चीज़ नहीं, जाते जाते सिर्फ तीन वर्ड्स कहना चाहता हूँ जो हर एक यूट्यूबर्स के मैजिकल वर्ड्स रहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि मेरा हर संडे को जो वीडियो आएगा वो नोटिफिकेशन आप सबको पहले आए और कोई मिस ना हो वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।